Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. Student, आज अपने डिस्कस करेंगे सोइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी. इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन है जो प्लांट न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है, उन पर भी डिस्कस करेंगे और ये आपके जो वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम है उनके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं. इनमें जो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है वो है बंजर भूमि संवर्धन संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब हुई थी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उठाया गया क्वेश्चन है. बहुत रेयर आपको पढ़ने को मिलता है ये क्वेश्चन, बट बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है. क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, बंजर भूमि में संवर्धन संरक्षण और उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन है ना की स्थापना कब हुई थी. ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है 1975, बी ऑप्शन है 1985, सी ऑप्शन है 1965 और डी ऑप्शन है 1995. तो इनमें से कौन सा आंसर होगा वो आपका राइट है. तो इसका जो राइट आंसर है वो 1985 है. राइट आंसर है वो 1985 है, यानी बी ऑप्शन यहां पर राइट है. अच्छे से क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, दलहन व कृषि अवशेष में कार्बनिक व नत्रजन का अनुपात होता है. दलहन व कृषि अवशेष यानी जो प्लांट के रेजिड्यूस बनते हैं या फार्म रेजिड्यूस जो होते हैं उनके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या होता है. ए जो ऑप्शन है वो 20:1:30 है, बी ऑप्शन है वो आपका 100:1 है, सी ऑप्शन है वो आपका 400:1 है और डी ऑप्शन है वो 4:1:9:1 है. तो जो फार्म के रेजिड्यूस है उसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है, कार्बन नत्रजन जो अनुपात है वो क्या रहता है. तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन है, यानी ये अनुपात रहता है 20:1:30 रहता है. तो सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है. ठीक है, अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए अभी डाउनलोड करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अथवा विजिट करें www.onlineagriculture.org. नेक्स्ट जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर, बेंच प्रेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर करते हैं. देखो बेंच प्रेसिंग का मतलब क्या है, जहां पर ढलान होते हैं वहां पर अपने कंटूर ट्रेस बनाकर खेती करते हैं. तो जो बेंच प्रेसिंग है वो कितने प्रतिशत ढलान के लिए उपयोगी होता है. ए ऑप्शन है आपके पास 16-33%, बी ऑप्शन है 3-10%, सी ऑप्शन है 10-20% और डी ऑप्शन है 20-33%. तो कितने प्रतिशत ढलान पर अपने बेंच ट्रेसिंग का उपयोग करेंगे, कितने प्रतिशत ढलान होगा तब अपने बेंच ट्रेसिंग का उपयोग करेंगे. तो इन चार ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है, यानी जो बेंच ट्रेस बनाए जाते हैं, बेंच ट्रेस जैसे अपने जो स्लोपी लैंड होता है उसके अंदर अपने जैसे कंटूर समझते होंगे, ट्रेस समझते होंगे, उस तरह से ये एक पैटर्न होता है जो अपने इस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से बेस्ट ट्रेस बनते हैं, किस तरह से कंटूर बनते हैं, ये सारी बातें हो चुकी है. यहाँ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सीधा आपको आंसर देना है, तो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन राइट होगा. नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जिंक ट्रेसिंग, जिंक ट्रेसिंग का उपयोग कितने प्रतिशत ढलान पर करते हैं. ऑप्शन सेम ही है 16-33% पर, बी ऑप्शन जो है वो 3-10% पर, सी ऑप्शन है वो 10-20% पर और डी ऑप्शन है वो 20-33% है ना. तो जो जिंक ट्रेसिंग है उसका उपयोग कितने ढलान पर करेंगे. जैसे अपने बैच ट्रेसिंग की तो बात की थी 16-33% पर अपने इसको काम में लेते हैं, और जब जिंक ट्रेसिंग की बात करेंगे तो जिंक ट्रेसिंग है वो अपने जनरली 3-10% ढलान पर काम में लिए जाते हैं. ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये यहाँ पर चार क्वेश्चन हुए. नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है मृदा पीएच की परिभाषा किसने दी थी, यानी जो सोयल पीएच है या नॉर्मल पीएच की मैं बात करूं तो पीएच की डेफिनेशन किसने दी थी. ए ऑप्शन है सोरेनसेन पीटर ल्यूटिग सोरेनसेन, यानी आप सिंपली इसको सोरेनसेन बोल देते हैं. बी ऑप्शन है अर्नोल्ड ऑरवेल बैकमैन, सी ऑप्शन है जस्टिन वॉन लीबे और डी ऑप्शन है वेले वेसली डोकुचे. चार ऑप्शन है, इसमें से जो पीएच है उसकी डेफिनेशन किसने दी थी. आप अच्छी तरह जानते होंगे पीएच की डेफिनेशन है वो सोरेनसेन ने दी थी. ए ऑप्शन राइट है,
बट पीएच मीटर की जो खोज की थी वो अर्नोल्ड ओ बैकमैन ने की थी और जस्टिन वॉन लीबेग है इन्होंने लो ऑफ मिनिमम दिया था और भी बहुत सारा काम किया था। वीवी डोकुचेव को तो आप जानते ही हैं, फादर ऑफ सोइल साइंस, फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न पेडोलॉजी, उसके अलावा फादर ऑफ सोइल क्लासिफिकेशन या सोइल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। तो ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है। तो ये यहां पर मर्दा पीएच की जो परिभाषा दी थी वो सोरेन पीटर ल्यूटिक सोरेनसेन ने दी थी, है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट मैंने यहां पर आपको एक क्वेश्चन के साथ चार चीजें बता दी है तो इनको भी साथ में कंसिडर करके चलिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से गलत कथन चुनना है, रोंग स्टेटमेंट है उसको देखना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, संरचनात्मक पोषक तत्व या फ्रेमवर्क न्यूट्रेंट या स्ट्रक्चर न्यूट्रेंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनसे मिलकर ही पौधे का 95% है वो भाग बना हुआ होता है। तो ये तो स्ट्रक्चर एलिमेंट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत स्टेटमेंट चुनना है अपने को। दूसरा स्टेटमेंट देखें, वृहद पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रेंट नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सल्फर मैग्नीशियम कैल्शियम कॉपर मैग्नीज और जिंक, यहां भी अपने को कुछ सोचना पड़ेगा। चलो आगे वाले स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व या प्राइमरी न्यूट्रेंट एनपीके दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी एनपीके है। द्वितीयक पोषक तत्व यानी गौण पोषक तत्व या सेकेंडरी न्यूट्रेंट्स ये है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये भी ठीक दिया हुआ है। इन दोनों को मिलाकर ही अपने प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के ही अपने मैक्रोन्यूट्रेंट्स बोलते हैं। तो यहां तक तो बात ठीक थी बट इसके अंदर कॉपर मैग्नीज और जिंक ये माइक्रो में आते हैं। तो आपका जो स्टेटमेंट गलत है वो कौन सा है, इसमें बी स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, यहां पर कई सारे क्वेश्चन एक साथ इस में क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो अगला क्वेश्चन है अपना, ऐसे पोषक तत्व जो पौधे में 1 ppm से कम पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। 1 ppm से लेस जो प्लांट का ड्राई वेट होता है उसमें अगर कॉन्सेंट्रेशन होती है किसी न्यूट्रिएंट की, अगर किसी न्यूट्रेंट की कॉन्सेंट्रेशन प्लांट के ड्राई वेट बेसिस लेस देन 1 ppm होती है यानी पौधे के शुष्क भाग बोले तो उसका कार्बन का भाग। अब आप बोल सोचोगे कार्बन का भाग क्या होता है, पौधे को जला लेते हैं उसकी जो राख का वजन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, कार्बन का भार बोलते हैं। तो पौधे के शुष्क भाग में अगर किसी पोषक तत्व की सांद्रता 1 ppm से कम होती है तो उसको कौन सा पोषक तत्व बोलेंगे। ए ऑप्शन है वृहद पोषक तत्व, बी ऑप्शन है सूक्ष्म पोषक तत्व, सी ऑप्शन है अति सूक्ष्म पोषक तत्व और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। वृहद पोषक तत्व को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, बी ऑप्शन जो सूक्ष्म पोषक तत्व उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और अति सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए अगर 1000 ppm से किसी पोषक तत्व की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, 1000 ppm से अगर किसी पोषक तत्व की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, 1000 ppm पौधे के शुष्क भार के हिसाब से अपने बात करें, 1000 ppm या फिर मैं ये बोल दूं कि 0.1% से अगर किसी पोषक तत्व की सांद्रता पौधे में ज्यादा होती है तो उसको मैक्रोन्यूट्रेंट या फिर वृहद पोषक तत्व कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट या फिर वृहद पोषक तत्व कहते हैं। अगर किसी पोषक तत्व की मात्रा 1000 ppm से कम या 0.1% से कम होती है पौधे के शुष्क भार के अनुसार तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रेंट बोलेंगे यानी सूक्ष्म पोषक तत्व बोलेंगे। बट यहां क्वेश्चन में पूछा गया है 1 ppm से भी कम, अगर 1 ppm से कम कॉन्सेंट्रेशन होता है, 1 ppm का मतलब अगर आप प्रतिशत में देखोगे तो 1 ppm का मतलब हो जाता है 0.001% से भी कम सांद्रता होती है। ppm को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए, बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं, कोई बात नहीं। अगर इससे मात्रा कम है तो उसको अपने बोलेंगे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑप्शन राइट होगा। तो इस हिसाब से यहां पर जो ऑप्शन राइट है वो कौन सा ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन राइट है। बाकी मैंने यहां पर एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने ppm को फटाफट परसेंट में लिख लिया, आप भी लिख लोगे अगर ये फॉर्मूला अपने जहन में रखेंगे तो, ppm 2% में अगर बदलना चाहते हो, ppm को परसेंट में बदलना चाहते हो तो ppm में आप क्या करिए,
10,000 का भाग दे दीजिए, पीपीएम परसेंट में बदल जाएगा। बट अगर आप परसेंट टू पीपीएम करना चाहते हैं, परसेंट को पीपीएम में बदलना चाहते हैं, तो परसेंट को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो ये आपका डेटा परसेंट से पीपीएम में चला जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है बेमेल चुनिए, यानी इसमें से मेल ठीक नहीं खा रहा है, यानी गलत स्टेटमेंट कौन सा है। कहने का मतलब ये है, ये फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का ये फायदा होता है कि एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। यहां पूछा गया है प्रेस मड, प्रेस मड में जो मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा, नाइट्रोजन 1 से 1.5%, ठीक है, फास्फोरस 4 से 5%, ये भी ठीक है, पोटास 2 से 7%, ये तीनों ही बातें ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, मैच है, बेमेल नहीं है, मेल खा रहा है। दूसरा ऑप्शन है पोल्ट्री मैन्योर, यानी जो मुर्गियों की बिस्तर की खाद होती है उसमें नाइट्रोजन 1 से 1.8, ये बात भी ठीक है, फास्फोरस 1.4 से 1.8, ये भी ठीक है, पोटास 0.8 से 0.9%, ये भी ठीक है। रूरल कंपोस्ट की बात करें तो नाइट्रोजन 0.5 से 1%, फास्फोरस 0.4 से 0.8%, और पोटास है वो 0.8 से 1.2%, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये तीनों सही है। तो चौथे को देख लेते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, नाइट्रोजन 1.5 से 2, ठीक नहीं है ये, क्योंकि आपको ही पता है नाइट्रोजन 0.5% होती है, ठीक है। फास्फोरस की बात करें, इसमें दे रखा 1.3 से 1.9, ये भी ठीक नहीं है, अपने को पता है जो फास्फोरस होता है वो 0.30% होता है फार्म यार्ड मैन्योर, यानी गोबर की खाद में। और पोटास की बात करें तो पोटास होता है वो 0.4% होता है, यहाँ 1.3 से 1.9 दे रखा है, यानी चौथा जो ऑप्शन है वो स्टेटमेंट राइट नहीं है, यानी वो मेल नहीं खा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो अपना डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला अपना जो क्वेश्चन है वो ये है, पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, के लिए गलत चुनो, गलत कथन चुनो, कौन से लक्षण है वो पत्तियों के कौन से भाग पर दिखाई दे रहे हैं, इस पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर, नई पत्तियों पर, या नई पुरानी बीज की, या शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं ना, इस तरह से पूछा गया है। जब आप ये स्टडी करते हैं तो हमेशा जो नीचे वाली पत्तियां होती है उनको ओल्ड लीफ बोलते हो, ऊपर वाली जो पत्तियां होती है उनको आप न्यू लीफ बोलते हो, और जो बीज की पत्तियां होती है उनको आप नई व पुरानी पत्तियां बोलते हो, और जो शीर्ष होता है उसको आप शीर्ष कलिका बोलते हो। तो कितनी कैटेगरी में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3, 4 कैटेगरी में, पुरानी पत्तियां, नई व पुरानी, नई और बिल्कुल टॉप, ठीक है। तो अगर किसी पोषक तत्वों की कमी है तो उसके लक्षण इन चारों में से कहां पर दिखाई देंगे, उसके लिए अपने को राइट स्टेटमेंट यहां पर देखने हैं और रॉन्ग स्टेटमेंट देखने हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपका आंसर होगा, तो अब इनमें से चारों में से अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पुरानी पत्तियों के लक्षण, यानी निचली पत्तियों के लक्षण, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के दिखते हैं। अगर इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो निचली पत्तियों पर, पुरानी पत्तियों पर इनकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक चीज और ध्यान रखना, जिन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण निचली व पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जिन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण निचली व पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं वो पौधे में सर्वाधिक गतिशील होते हैं, सर्वाधिक मोबाइल होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। दूसरा है नई पत्तियों पर, नई पत्तियां बोले तो ये वाला भाग देखो, नई पत्तियों पर कमी के लक्षण आयरन, कॉपर, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीज के दिखाई देते हैं, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जिन पोषक तत्वों के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, यानी ऊपर वाली पत्तियों पर, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, वो पौधे में कम गतिशील होते हैं, कम गतिशील, और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं वो अधिक गतिशील होते हैं। तीसरा है अपना नई व पुरानी पत्तियों पर, नई व पुरानी पत्तियों पर लक्षण, यानी ये बीच वाली पत्तियों पर, इस पर जिनकी कमी के लक्षण दिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिनकी कमी के लक्षण, यहां कार्बन दे रखा है, ये स्टेटमेंट तो आपका गलत है। यहां तक की बात ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है शीर्ष कलिका पर, शीर्ष कलिका पर कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण दिखते हैं, कैल्शियम और बोरोन की कमी के लक्षण दिखते हैं, ये शीर्ष कलिका है और यहां कैल्शियम और बोरोन, ये स्टेटमेंट राइट है। और एक चीज ध्यान रखना, जिस पोषक तत्वों की कमी के लक्षण शीर्ष कलिका पर दिखाई देते हैं वो पौधों में हमेशा ही अगतिशील होता है, और पौधे में सर्वाधिक अगतिशील कैल्शियम होता है और सर्वाधिक गतिशील है नाइट्रोजन।
सर्वाधिक अगतिशील कैल्शियम और सर्वाधिक गतिशील है वो कौन सा होगा? नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी वो मेल नहीं खा रहा है, ठीक नहीं है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट ठीक है, बट इस एक क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो है अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसने दिया था, अर्ध आवश्यक तत्व या अर्ध आवश्यक पोषक तत्व, इंग्लिश में बोले तो क्वासी एलिमेंट शब्द किसने दिया था। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए क्वासी एलिमेंट्स किसे कहते हैं, यानी अर्ध आवश्यक पोषक तत्व। अर्ध आवश्यक पोषक तत्व सिलिका को कहते हैं जो बहुत सारे पौधों के लिए, बहुत सारे तो नहीं, कुछ पौधों के लिए, सॉरी कुछ पौधों के लिए क्या होता है, एक आवश्यक पोषक तत्व की तरह है, और बहुत सारे पौधों के लिए नहीं भी है, तो कुछ के लिए आवश्यक की तरह है, कुछ के लिए नहीं है, इसलिए हम इसको अर्ध आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं या क्वासी एलिमेंट्स में रखते हैं। बहुत सारे पौधों के लिए ये जरूरी नहीं होता जीवन के लिए, बट फिर भी लाभदायक होता है, तब अपने इसको लाभदायक पोषक तत्व में रखते हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, उसमें भी इसको पढ़ा जाता है। बट सीधा सा आपसे पूछ ले कि अर्ध आवश्यक पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो सिलिका को कहते हैं। ये शब्द किसने दिया था? ये ऑप्शन है एपिस्टीन एंड ब्लूम, दो वैज्ञानिक। बी ऑप्शन स्टाउट, सी ऑप्शन निकोलस और डी ऑप्शन डिकेंडोली। तो क्वासी एलिमेंट्स या अर्ध आवश्यक पोषक तत्व सिलिका के लिए शब्द यूज किया था एपिस्टीन एंड ब्लूम ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइज ऑफ माइक्रोपोर्स, देखो मृदा के अंदर जनरली अपने बात करें तो पांच तरह के जो पोर्स है, रंध्र है, उनको मतलब रंध्र है उनको पांच कैटेगरी में बांटा गया, यानी पांच भागों में बांटा गया। कोई रंध्र बड़ा है, कोई छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो उनके जो रंध्र है उनका जो साइज है उसके अकॉर्डिंग उनको अपने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो उन कैटेगरी में से एक है अपना माइक्रोपोर्स। तो यहां क्वेश्चन यही है कि माइक्रोपोर का साइज कितना होता है, जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, क्वेश्चन अपना ये बनने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में अपना ये है कि जो माइक्रोपोर्स होते हैं उनका साइज क्या होता है। ए ऑप्शन है साइज है 75 से ज्यादा, या सॉरी 75 माइक्रोमीटर, 75 माइक्रोमीटर से ज्यादा, यानी मोर देन 75 माइक्रोमीटर। अब देखो ये चीज ध्यान रखना है, ये एमएम में भी आ सकता है। 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो अगर हम इसको एमएम में कन्वर्ट करते हैं तो एमएम में कितना हो जाएगा? देखो अगर हम इसको एमएम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 से अपने क्या है डिवाइड हो जाएगा। तो अगर साइज क्या है पोर का 0.075 से बड़ा है तो इसको अपने माइक्रोपोर्स में रखें, या साइज 30 से 75 माइक्रोमीटर है तब अपने इसको माइक्रोपोर बोलें, या साइज 5 से 30 माइक्रोमीटर का वो माइक्रोपोर है, या साइज 0.1 से 5 माइक्रोमीटर है तो इसको अपने माइक्रोपोर्स बोलेंगे। तो माइक्रोपोर्स का आपको साइज बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे सिंपली अगर मैं यहां पर बात करूं आपको बताएं तो मैक्रोपोर, मीजोपोर, माइक्रोपोर, अल्ट्रा माइक्रोपोर और क्राइप्टोपोर, ये कुल मिला के अपने कितनी श्रेणियों में बांट दिए, यहां पे पांच श्रेणियों में बांट दिए। तो वहां माइक्रोपोर का साइज पूछा हुआ था। सबसे बड़ा जो साइज होता है पोर का वो होता है मैक्रोपोर। मैक्रोपोर का जो साइज होता है वो होता है जनरली 75 माइक्रोमीटर से ज्यादा होता है। 75 माइक्रोमीटर से अगर साइज बड़ा होता है इसका मतलब यहां पर कैपिलरी फोर्स तो लगता नहीं है, यानी जो मिट्टी का कण है वो उस पानी को नहीं रोक पाता है, इन रंध्रों से जल निकास होता रहता है, वॉटर ड्रेनेज होता है या पानी नीचे की तरफ जाता है, ये पानी इनके बीच का पानी कभी भी मिट्टी के अंदर नहीं रुकता है। कहने का मतलब जब अपने जैसा कि आपने सोइल वॉटर में मृदा जल में पढ़ा होगा फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र धारण क्षमता, तो क्षेत्र धारण क्षमता के टाइम जो मैक्रोपोर्स होते हैं उनके अंदर पानी नहीं होता, हवा होती है, पानी नहीं होता है हवा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप अगर मृदा जल पड़ा है तो ये बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। सबसे जो बड़े रंध्र होते हैं उनका साइज 75 माइक्रोमीटर से ज्यादा होते हैं, उनको मैक्रोपोर्स बोलते हैं, और इनमें कैपिलरी फोर्स नहीं लगता है। जब आर्द्रता ग्राही क्षेत्र धारण क्षमता यानी फील्ड कैपेसिटी जैसी स्थिति होती है तब इनमें पानी नहीं होता, सिर्फ हवा होते हैं, और इनका पानी जल निकास या पानी नीचे चला जाता है जो पौधों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता, वो अतिरिक्त जल में आता है। नेक्स्ट है मीजोपोर्स। मीजोपोर्स होते हैं, इनका साइज जो होता है वो 30 से 75 माइक्रोमीटर होता है।
30 से 75 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। इनको स्टोरेज पोर्स भी बोलते हैं, जो बीजों पोर है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनको अपने स्टोरेज पोर भी बोलते हैं, भंडारित रंध्र भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें पानी भरा रहता है, इसमें कैपिलरी फोर्स रहता है, बट बहुत ज्यादा नहीं रहता, बट अच्छा खासा कैपिलरी फोर्स रहता है, और इनके बीच में पानी रुका होता है, और यही पानी पौधों को सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है। इसलिए जब भी अपने मर्दा जल या पौधों के साथ मर्दा जल का संबंध पड़ा जाता है तो इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है बीजोपोर। तो बीजोपोर का साइज है 30 से 75 माइक्रोमीटर। तीसरा है अपना माइक्रोपोर, सूक्ष्म जो रंधर है, इनका साइज होता है 5 से 30 माइक्रोमीटर होता है, 5 से 30 माइक्रोमीटर। अगर एमएम में बदलोगे तो आप किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। देखो ये जो होते हैं ये छोटे होते हैं, और इनके अंदर जो पानी होता है वो इधर उधर मूवमेंट नहीं करता, इनके अंदर जो पानी होता है वो फिक्स होता है, इमोबाइल होता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता, बट पौधों के लिए उपलब्ध होता है। बट इन दोनों में से ज्यादा लेते हैं बीजोपोर से पौधे पानी, बीजोपोर के अंदर जो पानी होता है। माइक्रोपोर्स के अंदर भी क्या है, छोटे साइज है, पानी है, बट वो पानी फिक्स मूवमेंट नहीं करता, बीजोपोर वाले में कैपिलरी फोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से वो मूवमेंट भी कर जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रा माइक्रोपोर्स। अल्ट्रा माइक्रोपोर्स बहुत छोटे होते हैं, जिनका साइज होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर होता है, ये बहुत छोटे साइज है, जिसमें सूक्ष्म जीव रहते हैं, हल्का फुल्का पानी भी रहता है, प्लांट्स है उस पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें क्रिप्टोपोर्स। जो क्रिप्टोपोर होते हैं इनका साइज तो 0.1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, इनके अंदर जो पानी होता है वो बहुत कम होता है, न के बराबर होता है, ठीक है। इनको मोस्ट ऑफ जो पेनिट्रेट करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट कर सकते हैं, बाकी नहीं, यानी इसमें से आर पार है वो माइक्रो जो सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव वो ही इनके अंदर से आर पार हो सकते हैं, बाकी जैसे कोई जैसे रूट वगैरह है वो इनके अंदर से आर पार नहीं हो सकते, ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इनको क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भेद सकते हैं, ठीक है। जब मिट्टी बहुत ज्यादा सूखी होती है तो भी इन रंध्रों के बीच में पानी उपस्थित होता है, बहुत ही छोटे साइज, वो पानी उड़ नहीं पाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी, थोड़ी मात्रा में ये पानी कुछ पौधे ले सकते हैं, बट सूक्ष्म जीव इसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं इस पानी को। तो ये जो मतलब मिट्टी के अंदर रंध्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उनकी 5 कैटेगरी है, मैक्रोपोर्स, ठीक है, उसके अलावा मीजोपोर्स, माइक्रोपोर्स, उसके अलावा अल्ट्रा माइक्रोपोर्स और क्रिप्टोपोर्स, ये 5 कैटेगरी है। तो अब अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, जब आपने 5 कैटेगरी पढ़ ली है साइज ऑफ माइक्रोपोर्स, तो आप सीधा सा आंसर देंगे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे देंगे आप। पहला ऑप्शन है वो तो मैक्रोपोर है, दूसरा ऑप्शन है वो कौन से है, बीजोपोर्स है, तीसरा ऑप्शन है वो माइक्रोपोर्स के लिए, और सवाल भी यही पूछा गया था, और चौथा ऑप्शन आ जाता तो अल्ट्रा माइक्रोपोर के लिए होता, और इससे भी अगर छोटा साइज हो जाता तो हम क्रिप्टोपोर्स बोलते ना। नेक्स्ट अपना अगला जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश में, हिंदी भी एक्सप्लेन करूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। विच प्लांट इज यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, कौन सा पौधा स्थायी मुरझान गुणांक का सूचक पौधा है, यानी ऐसा कौन सा पौधा है जो स्थायी मुरझान गुणांक के लिए सूचना प्रदान करता है, इंडिकेटर प्लांट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताए थे, इंडिकेटर प्लांट क्या होते हैं, वो पौधे जो किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षणों को दर्शाते हैं, या पानी की कमी के लक्षण को दर्शाते हैं, किसी रोग को दर्शाते हैं, कीट को दर्शाते हैं, यानी उनके लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव होते हैं, हल्की फुल्की वैसी स्थिति आती है तो वो सिम्टम शो कर देते हैं, लक्षण प्रकट कर देते हैं। तो स्थायी मुरझान गुणांक के लिए आप जो इंडिकेटर पौधा लेते हो, यानी सूचक पौधा लेते हो, वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास सेफ्लावर यानी कुसुम, बी ऑप्शन है सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, सी ऑप्शन है मेरीगोल्ड यानी गेंदा, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। जो डी ऑप्शन है वो है बोथ ए एंड सी, यानी सेफ्लावर और मेरीगोल्ड। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। जी राइट आंसर है यहाँ पे सनफ्लावर, सूरजमुखी को अपने इंडिकेटर पौधे की तरह काम में लिया जाता है, सूरजमुखी को ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, बी बी पे लिखा सनफ्लावर, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना वो क्ले मिनरल से है, माइका इज ए टाइप ऑफ क्ले मिनरल्स, माइका किस तरह का क्ले मिनरल्स है, हमने पढ़ा था 1-1 टाइप, 2-1 टाइप, एक्सपेंडेड नॉन एक्सपेंडेड, इस तरह से ना। तो माइका 1-1 टाइप है या 2-1 टाइप है या 2-1 रेशो 1 टाइप है,
या इनमें से कोई सा भी नहीं है। एक एक प्रकार है, दो एक प्रकार है, दो एक एक प्रकार है। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा, माइका होती है वो वन वन टाइप होता है, ए ऑप्शन राइट है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, 14 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड इन विच क्ले मिनरल्स, कौन से क्ले मिनरल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन है केलोनाइट, दूसरा ऑप्शन है मोंटमेरिलोनाइट, तीसरा ऑप्शन है वर्मिकुलाइट और डी ऑप्शन है वो है बिडेलाइट। तो कौन सा ऐसा क्ले मिनरल्स है इनमें से जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है मोंटमेरिलोनाइट, जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो 15 नंबर है, क्वेश्चन है बेस सैचुरेशन इन लैटराइट सॉइल, जो लैटराइट मृदा है उसमें बेस सैचुरेशन कितना होता है। ए ऑप्शन है 40% से कम, बी ऑप्शन है 40% से ज्यादा, सी ऑप्शन है 20% से कम, डी ऑप्शन है 20% से ज्यादा। तो जो लैटराइट मृदाएं होती है उसमें बेस सैचुरेशन होता है वो 40% से ज्यादा होता है। लगभग 7 पीएच की जो सोयल होती है उसके लिए आप पढ़ते हैं 80-90% होता है, बट बेस सैचुरेशन का पॉइंट है वो अगले अपने क्विज में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप और बेहतर तरीके से क्या है आंसर दे सकते हैं। बट यहाँ ठीक है, ये क्वेश्चन अगले में मैंने खूब सारे क्वेश्चन डाले हैं बेस सैचुरेशन के, तो वहां पर बात करेंगे अपने। अभी ये मान के चलो कि जो लैटराइट मृदाएं होती है उसका बेस सैचुरेशन 40% से ज्यादा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहां क्या दिया हुआ है, इमोबिलाइजेशन ऑफ सल्फर, जो सल्फर है वो कब अगतिशील होता है, जब मिट्टी में कार्बन और सल्फर का अनुपात होता है, यानी जब कार्बन और सल्फर का अनुपात क्या हो जाए कि जो सल्फर है वो मिट्टी में अगतिशील हो जाएगा। ऑप्शन है ये अनुपात अगर 300:1 से कम हो, बी ऑप्शन है ये अनुपात 300:1 से ज्यादा हो, सी ऑप्शन है ये अनुपात 400:1 से ज्यादा हो जाए और डी ऑप्शन है 200:1 से ज्यादा हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए जब कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है 400:1 से ज्यादा हो जाता है तब सल्फर अगतिशील हो जाता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। सल्फर कब अगतिशील हो जाएगा, जब कार्बन सल्फर का अनुपात 400:1 से अधिक हो जाएगा। ये हो गए अपने 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने चले 17 क्वेश्चन की तरफ, डी नाइट्रिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ वी नाइट्रीकरण, यानी जो मृदा में नाइट्रोजन अवेलेबल अवस्था में होती है, उपलब्ध अवस्था में होती है, वो वापस अगर वातावरणीय नाइट्रोजन यानी समतंत्र नाइट्रोजन या इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में अगर बदल जाती है तो उसको अपने वी नाइट्रीकरण कहते हैं। तो ये वी नाइट्रीकरण एक कैसी प्रक्रिया है, देखो वी नाइट्रीकरण एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीकार्य अभिक्रिया है, बी ऑप्शन रिडक्शन अभिक्रिया अपचयी अभिक्रिया है, सी ऑप्शन हाइड्रेशन है और डी ऑप्शन है कार्बोनेशन। न तो यहां पानी जुड़ रहा है, न यहां कार्बन जुड़ रहा है, न हाइड्रेशन है न कार्बोनेशन है। बात आती है अब कि यहां से ओ है वो निकल रहा है और समतंत्र नाइट्रोजन में बदल रही है, तो जब ओ जुड़ता है तो ऑक्सीकारी होती है, ओ हटता है तब वो क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो यहां पर ऑक्सीजन निकल रहा है समझो, तो इसको अपने कौन सी अभिक्रिया में रखेंगे, रिडक्शन में रखेंगे, अपचयन में रखेंगे, यानी विनाइट्रीकरण प्रक्रिया अपने आप में अपचयित अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और नाइट्रीकरण है जो वातावरण का जो समतंत्र नाइट्रोजन है वो किसमें बदलता है, उपलब्ध नाइट्रोजन में बदलता है, ये ऑक्सीकारी अभिक्रिया है, और उपलब्ध नाइट्रोजन जब समतंत्र नाइट्रोजन में बदलता है तब अपने उसको अपचयित अभिक्रिया बोलते हैं, इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, और इस प्रक्रिया को वी नाइट्रीकरण कहा जाता है, डी नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन है नहीं, बता देते हैं अपने फटाफट। पौधे में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में सहायक पोषक तत्व जो होता है वो मोलिब्डेनम होता है, साइटोक्रोम पेरिडॉक्सिन व हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव होता है। ऑप्शन है फास्फोरस पोटास आयरन और मोलिब्डेनम। साइटोक्रोम पेरिडॉक्सिन और हीमोग्लोबिन का जो मेन कंटेंट होता है वो आयरन होता है, विटामिन सी और शर्करा बनने में सहायक होता है वो मोलिब्डेनम होता है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन और आज की स्पीच का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ब्रेसिका जाति यानी सरसों वर्गीय जो फसलें हैं की पत्तियों को प्याले नुमा किसकी कमी से हो जाते हैं, जो ब्रेसिका जाति के पौधे होते हैं या क्रूसीबेरी के जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियां प्याले नुमा भी हो जाती है और हल्की पीली भी हो जाती है, ये सिंपली किसकी कमी से देखने को मिलता है। ए ऑप्शन मैग्नीज, बी ऑप्शन जिंक, सी ऑप्शन सल्फर और डी ऑप्शन अपने जिंक कर देते हैं।
तो इनमें से कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कुछ इस तरह के हैं, यानी जो ब्रेसिका या क्रूसीफेरेसी या सरसों कुल के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां प्याले नुमा हल्के पीले रंग की होकर प्याले नुमा हो जाती है, तो ये जो कमी का लक्षण है ये सल्फर की कमी का लक्षण है, यानी सी ऑप्शन यहां पर आपका राइट होगा। तो आज की इस क्विज में इतना ही, अगली क्विज में अपने कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।